वैसे तो दोस्तों अभी हमें इस मंथ पे बैक टू बैक ओटीटी पर धमाके देखने को मिले हैं। एक तो भाई गदर 2 का धमाका, जहाँ पर भैया ने हमारे मतलब सनी देओल सर ने हैंडपंप उखाड़ा है। दूसरी तरफ ओएमजी 2 का मतलब खतरनाक अनकट वर्जन भी देखने को मिल सकता है। 8 तारीख को तो आ रहा है लेकिन अनकट वर्जन की क्लैरिफिकेशन नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों केरला स्टोरी जैसी मूवी रिलीज नहीं हुई है। अगर ये मूवी भी दोस्तों ऐसे ही मतलब लगातार रिलीज हो जाती थी ना, तो भाई बहुत बड़ी बड़ी मूवीज है ना इसी मंथ पे रिलीज हो जाती तो अच्छा हो जाता। खैर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरला स्टोरी मूवी की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मतलब हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो भी भाई पूछते रहते हैं कंटिन्यूसली कि ये मूवी कब तक आएंगे। और जितनी भी रिपोर्ट्स निकलती रहती है, मैं हर ही मतलब वीडियो तो मैं बनाते रहता ही हूँ और दोस्तों बताते रहता हूँ चाहे छोटी से छोटी अपडेट क्यों ना हो। खैर दोस्तों रिलीज डेट और अपडेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस मूवी को लेकर गुस्सा तब आता है जब किसी मूवी मतलब कोई मूवी सुपर हिट होने के बावजूद भी ओटीटी पर नहीं आ रही है, तो भाई बुरा तो लगेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि हिट तो है मूवी। दोस्तों केरला स्टोरी मूवी के जो पहले राइट्स की लेकर बात चल रही थी वो Zee5 को लेकर ही है। अभी दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज़ है कि Zee5 को लेकर भी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ अपडेट्स बोल रही है। खैर दोस्तों वैसे तो मेरे हिसाब से तो 95% चांसेस है कि मूवी Zee5 पर ही रिलीज होंगी और कोई प्लेटफॉर्म इसे एक्वायर नहीं करने वाला, क्योंकि सभी दोस्तों काइंड ऑफ एक जो पॉलिटिकल वाली चीज़ें चल रही है या फिर दोस्तों कोई भी जो चीज़ों में नहीं फंसना चाहता कॉन्ट्रोवर्सी वाली, समझ रहे हो दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों इस मूवी को अभी तक OTT पर रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन रिसेंटली दोस्तों विपुल शाह जो है इसके प्रोड्यूसर, उनसे दोस्तों इंटरव्यू में यही पूछा गया है कि भाई आप क्या कर रहे हो, घर में सो रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, मूवी क्यों नहीं आई अभी तक। उन्होंने यही बोला है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद दिवाली का गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर भाई सबको कपड़े बांटना चाहते हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं यही जाने। क्योंकि दोस्तों बात करें ओटीटी रिलीज डेट को लेकर तो आदा शर्मा ने तो क्लियरली बोला है कि मुझसे मत पूछो, सारी चीज़ें इसके मेकर्स के हाथ में, Zee5 को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स और अपडेट्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग ये मूवी अक्टूबर के एंड तक रिलीज हो सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि भाई 2023 तक आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है और मुझे क्या फील हो रहा है दोस्तों इस मूवी को लेकर, टू बी ऑनेस्टली दोस्तों इस मूवी को लेकर अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट निकल कर नहीं आई है, बस लीक और रूमर निकल कर आ रहे हैं जो कि भाई जो मीडिया सोर्सेस होते हैं मीडिया हाउसेस होते हैं वही दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करें इसके रिलीज डेट को लेकर तो चांसेस है कि ये मूवी आपको अक्टूबर के मंथ तक यानी कि एंडिंग में देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। तो एक तरफ वो भी अपडेट है कि भाई 2023 यानी कि नवंबर तक दिवाली तक भी ये खींच सकते हैं। खैर दोस्तों अक्टूबर के एंडिंग तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं भाई विपुल शाह यानी कि इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या करते हैं। कमेंट में जरूर बताना मूवी को लेकर, लाइक कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।